सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 कंटेस्टेंट सवाई भट्ट इन दिनों जमकर ट्रोल हो रहे हैं। सवाई भट्ट ने बीते हफ्ते ही शो पर आकर कहा था कि उन्हें लगता है कि वो इस सफर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खैर, जजेस के समझाए जाने के बाद सवाई भट्ट रुके और अब सोशल मीडिया पर वो लगातार जनता से वोट अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सवाई भट्ट कई मशहूर हस्तियों से भी अपने वोट की अपील करवा रहे हैं। बीती रात इन्होंने अपना एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो जनता से जमकर वोट पाने की कोशिश में लगे हैं। सवाई भट्ट ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, हेलो जी, सबको नमस्कार, बस आप मुझको सपोर्ट करते रहें, वोटिंग करते रहें। आज मेरी वोटिंग लाइन खुली है, प्लीज मुझे वोट करिए, मुझे बहुत जरूरत है। अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करता हूँ, पर यहाँ भी मेरे लिए एक एक चुनौती है और आप सब लोग मेरे परिवार हो, मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, मेरे मम्मी पापा मेरी जान है, आप लोगों की दुआ से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, शुक्रिया, धन्यवाद। सवाई भट्ट के इस पोस्ट को देखकर कई लोगों का कहना है कि उनके कहने से पहले ही वो उन्हें वोट कर चुके हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें चीटर बुला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आप तो शो छोड़ने वाले थे तो आप क्यों वोट मांग रहे हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, चीटर हो तुम। आ रहे लोगों के रिएक्शन यही बता रहे हैं कि सवाई भट्ट का दांव उन पर उल्टा होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा सवाई भट्ट इस शो में कितना आगे जा पाते हैं। इंडियन आइडल 12 में इस वक्त सवाई भट्ट को पवनदीप राजन, षणमुख प्रिया, साइली कांबले और अनुनीता कांचीकाल से कड़ी टक्कर मिल रही है। फिलहाल आप किसे विनर बनाना चाहते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पवनदीप अभी सेट से बाहर भी नहीं हो पाए कि दूसरे टॉप सिंगर सवाई भट्ट को लेकर बुरी खबर सामने आ गई है। सवाई भट्ट की खबर सुनकर सभी जजेस के रोंगटे खड़े हो गए और फैंस का जो हाल है वो तो बताने लायक भी नहीं है। जब सवाई भट्ट ने बताया कि उन्हें घर जाना होगा, लोग वजह पूछते उससे पहले सवाई भट्ट फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो काफी वक्त से परेशान है और ना ही कुछ खा पी रही है, बेशक कोई सीरियस बात तो जरूर होगी। तभी सवाई भट्ट ने शो में सबके सामने ये खुलासा किया और सवाई ने शो को छोड़कर माँ को चुना। उनका मानना है कि शो में वो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन एक बार माँ चली गई तो वो कभी नहीं मिलेंगी। सवाई भट्ट की इमोशनल बात सुनकर हर कोई थम गया, क्योंकि कोई भी सवाई भट्ट को छोड़ना नहीं चाहता है। कई फैंस हैं जो चाहते हैं कि सवाई जैसे गरीब कंटेस्टेंट को इंडियन आइडल का ताज मिले, जिससे वो जिंदगी में आगे बढ़े और कुछ लोगों को प्रेरणा मिले। कहा तो ये भी जा रहा है कि सवाई भट्ट के परिवार वाले ही सवाई भट्ट को घर बुला रहे हैं, क्योंकि वो मुंबई और दिल्ली के माहौल से बहुत डरे बैठे हैं। उन्हें पल पल डर सता रहा है कि उनका बेटा खतरनाक बीमारी का शिकार ना हो जाए, क्योंकि अब तक इसी शो के 4-5 कंटेस्टेंट खतरनाक बीमारी के शिकार हो चुके हैं और अब तक उनकी सेट पर वापसी भी नहीं हुई है। सवाई भट्ट के घर वाले अपने बेटे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि सवाई भट्ट के परिवार वाले पहले ही सवाई के भरोसे अपना घर का पालन पोषण करते हैं। अगर सवाई को कुछ हो गया तो उनका परिवार वैसे ही जितना मिट्टी हो जाएगा, शायद इसलिए सवाई भट्ट को शो छोड़कर घर बुलाया जा रहा होगा। सवाई ने ये भी बताया कि उनका परिवार इस वक्त काफी परेशानियों से गुजर रहा है, घर में पैसों की तंगी भी हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें घर जाना बहुत जरूरी है, और अब तो उनकी माँ की तबीयत भी खराब बताई जा रही है, इसलिए सवाई गाने पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे। एक तरह से उनका चले जाना ही ठीक है, क्योंकि बात यहाँ माँ की है। अगर सवाई भट्ट चले गए तो इंडियन आइडल तो सुपरस्टार को खो ही देगा, साथ ही फैंस के लिए भी बुरी खबर होगी, क्योंकि सवाई आखिरी स्टेज तक समझो पहुंच चुके हैं। हम दुआ करते हैं कि सवाई भी इसी बीमारी से बच जाए और उनकी माँ भी स्वस्थ रहें। जैसे जैसे इंडियन आइडल 12 फिनाले तक पहुंच रहा है, वैसे वैसे कंटेस्टेंट की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। बेशक विनर एक ही होता है और ऐसे में 9 कंटेस्टेंट में से कई कंटेस्टेंट को आउट कर दिया जाएगा और तब एक विनर को खोजा जाएगा। और अब लग रहा है कि इस बार सवाई भट्ट का शो में आखिरी वक्त चल रहा है। सवाई भट्ट को भी उम्मीद थी कि वो इस शो को जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने आस और हिम्मत तोड़ी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इतनी गंदी तरह से उन्हें आउट किया जाएगा। जी हां, सवाई भट्ट को बाहर का रास्ता खाने के लिए उनके साथ जो घटिया प्लानिंग की गई है मेकर्स और जज ने, वो वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है। जी हां, सवाई भट्ट को आधी रात में आउट करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है, वो भी बड़ी सफाई से, जिससे दर्शकों को भनक भी ना पहुंचे कि सवाई भट्ट कैसे और क्यों आउट हुए। लेकिन अगर आप सवाई भट्ट की आवाज के फैन हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर आपको भी सवाई भट्ट के साथ नाइंसाफी होती नजर आ रही है
तो उनके लिए आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि सवाई भट्ट ने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है और अब जब वो आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए, पूरे देश को अपनी आवाज से दीवाना बना चुके, तब उन्हें बेइज्जत करके निकाला जा रहा है। दरअसल शो का एक प्रोमो दिखाया गया है कि अगले वीकेंड पर दिग्गज एक्ट्रेस जयापरदा मेहमान बनकर आएंगी। उनके सामने घूमर गाने पर जबरदस्त परफॉर्म कर सवाई भट्ट मौसम ही बदल देंगे। इसके बाद सवाई स्टेज पर कहते हैं कि वो शो छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके घर पर कई सारी परेशानियां चल रही हैं। इस प्रोमो के आने के बाद से ही लोग सवाई के फैसले से हैरान हो गए। लोग तो दो तरह की बातें भी करें, कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रोमो महज टीआरपी के लिए किया गया है, असल शो में ऐसा कुछ नहीं होगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मेकर्स ने शो में नचिकेता लेले की वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाने के लिए सवाई को जानबूझकर शो से बाहर किया है। सवाई अपने मन से ये शो कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि सवाई जहां से आते हैं वो इतना बड़ा मंच अपने मन से तो कतई नहीं छोड़ेंगे। माना जा रहा है कि मेकर्स ने उन पर शो छोड़ने का दबाव बनाया ताकि वो शो में नचिकेता की फिर से एंट्री करवा सके। दूसरे वाले तर्क को इसलिए भी सटीक माना जा रहा है क्योंकि जब नचिकेता लेले शो से बाहर हुए थे तो उस वक्त बॉटम थ्री में सवाई भट्ट भी थे। उस एलिमिनेशन ने मेकर्स की जबरदस्त फर्जियत करवा दी थी। फैंस का कहना था कि सवाई किसी भी मामले में नचिकेता से अच्छे नहीं हो सकते और केवल टीआरपी के लिए सवाई को बचाकर नचिकेता को निकाला गया है। हालांकि अब पूरा मामला क्या है ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। हालांकि अगर ऐसा है तो ये सच में सवाई और उनके फैंस के लिए बड़ा झटका होने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में अगर कोई कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा लोगों के दिलों पर छाया तो वो राजस्थान से आए सवाई भाट। सवाई भाट ने गरीबी से उठकर अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया। राजस्थान के गांव में कठपुतली का खेल दिखाने वाले से लेकर देश के सबसे बड़े सिंगिंग रियलिटी शो के स्टेज पर गाने का मौका पाने तक सवाई का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा। मेकर्स ने सवाई के सफर की वीडियो भी शेयर की, जिसे देखकर हर कोई इमोशनल हो गया। सोशल मीडिया पर सवाई सवाई दिख रहे थे, लेकिन अचानक उनकी वो फोटो सामने आ गई जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। कुछ ही देर में जो प्यार सवाई के लिए दिख रहा था वो गुस्से में बदल गया। रेत में हर वक्त लथपथ रहने वाले सवाई को सूट वूट और बिंदास हेयर स्टाइल स्टाइलिश गॉगल में देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। और फिर क्या, लोगों ने सवाई की गरीबी की कहानी को झूठ बता दिया। अपनी शानदार गायकी की बदौलत सवाई ने जजों के साथ वहां बैठे हर शख्स को अपना दीवाना बना लिया। लेकिन इन सबके बीच सवाई को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा वायरल हो रहा है जिसे देखकर विवाद खड़ा हो गया और लोगों का गुस्सा उन पर और शो के मेकर्स पर फूट रहा है। इन फोटोज के लिए ये दावा किया जा रहा है कि ये सवाई के किसी कंसर्ट की फोटो है और ये सिंगर इतने गरीब परिवार से भी नहीं आते हैं जितना उन्हें इंडियन आइडल के वीडियो में दिखाया जाता है। सवाई की फोटो देखकर लोग उनके संघर्ष की कहानी पर सवाल उठा रहे हैं और अपना गुस्सा शो के मेकर्स के खिलाफ भी जाहिर कर रहे हैं। सवाई की वायरल फोटो में भी उनका रहन सहन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सच में गरीब हैं या फिर इंडियन आइडल मेकर्स ने उन्हें गरीब दिखाया है। जी हां, ऐसा दावा किया जा रहा है कि मेकर्स शो की टीआरपी के लिए कंटेस्टेंट के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं। यूजर्स ने सवाई और मेकर्स के खिलाफ खूब गुस्सा निकाला। आपको बता दें, सवाई से पहले पवनदीप राजन की फिल्म का पोस्टर भी ऐसे ही वायरल हुआ था, जिसके बाद लोगों को पवनदीप का असली चेहरा दिखा था। पहले आपको सवाई और पवनदीप में किसकी आवाज सबसे ज्यादा पसंद आई, आप भी कमेंट जरूर करें।